दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए दिशा निर्देश। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए 2,59,963 उम्मीदवारों से भरे जाएंगे 20,670 पद। क्या है पूरी खबर, हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा आयोजित परीक्षा 2018 में 43,723 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। यह सभी उम्मीदवार शिक्षक बनने योग्य हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों की 5,670 पदों पर भर्ती होनी है, इसके लिए 2,16,240 उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में सफल हुए हैं। खाली पदों को भरने के लिए काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए संचालनालय द्वारा कुल पद की तुलना में 50% अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पद के बराबर उम्मीदवारों का चयन लिस्ट में टॉप रैंक के आधार पर शामिल किया जाएगा। शेष 50% उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी विषय के 2,106 पद हैं, तो चयन सूची में इतने ही उम्मीदवार शामिल होंगे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में 1,053 उम्मीदवार शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक गौतम सिंह का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया है कि नए सत्र की पहली तारीख तक शिक्षकों की भर्ती हो जाए। जनजातीय कार्य विभाग की PS दीपाली रस्तोगी ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक तौर पर जो प्रक्रिया शुरू की गई है, वही जनजातीय कार्य विभाग के लिए लागू होगी। यह कॉमन प्रक्रिया है, जल्द ही रोस्टर के अनुसार पदों का निर्धारण कर टेबल जारी करेंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तय तारीख में समय पर उपस्थित होना होगा। मूल दस्तावेजों सहित 2 सेट में छाया प्रति ले जाना होगा। इसके अलावा उम्मीदवार को एक पावती दी जाएगी। तय तारीख व समय पर सत्यापन के लिए अनुपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा। सत्यापन की तारीख की जानकारी SMS से भी दी जाएगी। इसके बाद अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों की चयन सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने विषयवार पदों की संख्या पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पद और माध्यमिक शिक्षक के लिए 5,600 पदों पर भर्ती दर्शाई गई है। इन रिक्तियों में विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित किए हैं। विभाग ने हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में सबसे कम पद दर्शाए हैं। वहीं विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों को लेकर कई शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि जब रिक्त पद कम थे तो परीक्षा के समय ही विभाग को रिक्त पद दर्शाना थे। अब इन विषयों के पात्र करीब 5,000 अभ्यर्थी बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीधी भर्ती के लिए जितने रिक्त पद थे उतने दर्शाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि 203 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जो विषयवार रिक्तियां दर्शाई गई हैं वह इस प्रकार हैं। माध्यमिक शिक्षक की विषयवार रिक्तियां हिंदी के लिए 100, अंग्रेजी के लिए 3,358, संस्कृत के लिए 372, उर्दू के लिए 18, गणित के लिए 1,312, जीव विज्ञान के लिए 50 और सामाजिक विज्ञान के लिए 60। कुल 5,670 पद माध्यमिक शिक्षक के लिए दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक की विषयवार रिक्तियां इस प्रकार हैं। हिंदी के लिए 1,401, अंग्रेजी के लिए 2,827, संस्कृत के लिए 1,823, उर्दू के लिए 70, गणित के लिए 1,800, जीव विज्ञान के लिए 1,699, रसायन शास्त्र के लिए 700, भौतिकी के लिए 1,001, इतिहास के लिए 800,
राजनीति शास्त्र के लिए 900, भूगोल के लिए 400, अर्थशास्त्र के लिए 550, समाज शास्त्र के लिए 664 और कॉमर्स के लिए 664, कृषि के लिए 176, गृह विज्ञान के लिए 29। कुल 15,000 पदों को लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षक की विषयवार रिक्तियाँ दर्शाई हैं। दोस्तों, ये थी खबर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। आगे भी आप इस तरह के अपडेट अगर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।